बोलेंगे? मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा, याद रखना। ये सपा विधायक इरफान सोलंकी है जो इस बात को मुस्कुराते हुए कहते जा रहे हैं कि मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा। ये लगभग उस बात का बिल्कुल उलट है जो सजा के बाद सपा नेता आजम खान ने कही थी। आजम खान ने कहा था कि इनके साथ इंसाफ नहीं बल्कि फैसला हुआ है। दोनों ही नेताओं की कहानी में कितने फर्क है। बोलेंगे? मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा, याद रखना। मेरे साथ इंसाफ होगा, फैसला नहीं। बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में लगभग 2 माह बाद महाराजगंज जेल से गुरुवार को कड़ी सुरक्षा में कानपुर लाया गया। कोर्ट जाते वक्त इरफान ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया और बोले कि मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट पेशी पर लाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था। बोलेंगे? मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा, याद रखना। मेरे साथ इंसाफ होगा, फैसला नहीं। इरफान की एमपी एमएलए लोअर सेशन कोर्ट में पेशी होनी है। लोअर कोर्ट में जहां आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित एक मुकदमे में इरफान के बयान दर्ज किए जाने हैं, वहीं सेशन कोर्ट में आगजनी मामले में अभियोजन की ओर से बहस होनी है। बोलेंगे? मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा, याद रखना। मेरे साथ इंसाफ होगा, फैसला नहीं। आगजनी से संबंधित मुकदमे में सभी गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। इसी बीच रिजवान की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जो अभी लंबित है। फैसला आने तक बचाव पक्ष सुनवाई टालने की कोशिश में लगा था, लेकिन पिछले दिनों कोर्ट ने सफाई साक्ष्य का अवसर खत्म करके अभियोजन को बहस शुरू करने के निर्देश दे दिए थे। पेशी पर पुलिस वैन से उतरते ही इरफान सोलंकी ने शायराना अंदाज में पत्रकारों से कहा कि मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा। इरफान की कोर्ट में पेशी थी, इसके लिए उसको महाराजगंज जेल से तलब किया गया था। गौरतलब है कि आगजनी के मामले में कोर्ट द्वारा जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। अगर इरफान को 2 साल से ज्यादा की सजा दी जाती है तो इरफान की विधायकी चली जाएगी। बोलेंगे? मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा, याद रखना। मेरे साथ इंसाफ होगा, फैसला नहीं।